सोलापूर एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष फारूक शाबदी यांनी एमआयएम पक्षाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले, पाहूयात ते काय म्हणतात। मागील 2 वर्षापासून कोरोनाचा सावट होता, या काळात अनेक गोरगरिबांचे रोजगार गेले आणि रोजगार गेल्याने कष्टकऱ्यांची पोटाची खळगी भरण्यासाठी अखंडित त्यांचे अजूनही प्रयत्न सुरू आहेत। अशातच रमजान सण आल्याने गोरगरीब कष्टकऱ्यांना देखील रमजान ईद आनंदात साजरी करता यावी या हेतूने सर्वसामान्यांच्या मदतीला नेहमीच धावून जाणारे गोरगरिबांचे कैवारी रिफाह फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष एमआयएम वाहतूक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रियाज सय्यद यांच्या वतीने 500 कष्टकरी कुटुंबियांना शिरकुर्म्याच्या मसाल्याचा वाटप एमआयएम जिल्हाध्यक्ष फारूक शाबदी यांच्या हस्ते करण्यात आले। फारूक शाबदी यांनी बोलताना रियाज सय्यद हे आमचे लहान बंधू आहेत, आजपर्यंत त्यांनी गोरगरिबांची मदत करत कसलंही राजकारण केलेलं नाहीये, पण लोकांची सेवा करून आम्ही नक्कीच शहराच्या विकासासाठी निवडणुकीत तुमच्या समोर येऊ, असं म्हणत त्यांनी त्यांचं कार्य बघून जनता नक्कीच त्यांच्या पाठीशी उभी राहील असं मत व्यक्त केलंय। मी एआयएमआयएम पार्टी के वाहतूक संघटनाचे अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रियाज सय्यद आज उनके जानिब से गोरगरीब लोगों को जो आने वाली ईद है या दो दिन के बाद ईद हो सकती है उस ईद के मौके पर जो शेरकुर्मा बनता है उसके मसाले के वाटप का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। तो यहाँ पर हमारे रियाज सय्यद ने 500 ऐसे पैकेट्स का इंतजाम किया है जिसके अंदर 10 लीटर शेरकुर्मा के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे शक्कर है, सेवैयाँ हैं और तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स, वो ऐसे एक पैकेट बनाकर यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ आज तकसीम किया गया है। तो ये बेहतरीन, निहायत बेहतरीन से बेहतरीन काम माशाल्लाह मेरी टीम कर रही है। बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस सोलापुर शहर का एमआईएम का सदर बनाया है और सदर के नाते मुझे मेरी टीम में ऐसे मेरे भाई जिसमें सरफराज भाई है, रियाज है, गाजी जागीरदार है, निज़ाम है, सलीम पामा है, इमरान पठान यहाँ पर मौजूद है और अशफाक है और ऐसे अनेक दूसरे एरियाज में भी जो लोग हैं, मेरी महिलाओं की विंग है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में सिर्फ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोग राजनीति से बहुत दूर है अभी तक, हम लोग सिर्फ और सिर्फ खल की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट वही है कि हम लोग पहले लोगों की सेवा करें। मैं समझता हूँ पूरे देश में एक वाहिद एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रेम का संदेश लेके चल रही है। उसका सही एग्जाम्पल कल जो इम्तियाज जलील साहब ने, कल जो सभा होने वाली है 1 तारीख को राज ठाकरे साहब की, सभा में उनको रोज़ा इफ्तार की दावत दी है। सोलापुर शहर का आप एग्जाम्पल लो, यहाँ जब रोज़ा इफ्तार होता है तो हर धर्म के हर पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है। तो सबसे पीसफुल और सबसे सेक्युलर पार्टी आज की तारीख में अगर किसी को बोला जाएगा तो वो सिर्फ पतन छाप एमआईएम पार्टी है। तो हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि हम लोग देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने में जो मुमकिन कोशिश है वो करें। बाकी रही बात अपोजिशन वालों की, उनको जो बोलना है वो बोले, हमको सिफर कुछ सियासी पार्टियाँ भी जमहूरियत बोल रही है। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज जो ज्यादती हो रही है और स्पेशली कोई एक कम्युनिटी को लेकर, तो हिटलर शाही का ही एग्जाम्पल है। लेकिन हम लोगों को हमारे संविधान पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आखिर में जीत संविधान के मुताबिक जो कानून है उसी की होने वाली है, ना कि हिटलर शाही। रमजान के वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको इस साल का रमज़ान माशाल्लाह नॉन कोविड मिला। इस साल का जो रमज़ान था, पिछले 2 साल के रमज़ान में हम हमारे रमज़ान का फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सके थे, लेकिन ऊपर वाले की दुआओं से माशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो का अच्छा काम हुआ। तो इस साल हम लोग कोविड फ्री थे तो सारी मस्जिदें खुली थी, हम लोगों ने हमारी इबादतें मस्जिद में जाकर की, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। यावेळी नगरसेवक गाजी जागीरदार, सलीम बाबा, सरफराज शेख, निजाम इनामदार, इम्रान पठाण आदींसह रिफाह फाउंडेशन आणि एमआयएम वाहतूक संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते।